इट इज अ सर ये है, इट इज अ क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर. डिसऑर्डर. बस 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 इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर. बस इतना ही लिखवाए थे क्या कल से? नहीं मतलब चार पॉइंट लिखवाए थे, उसमें से यहाँ तक पहुंचे. यहाँ तक पहुंच गए थे. क्या क्या पॉइंट लिखवाए थे ये तो पहले बताओ. कौन सा पॉइंट नहीं लिखवाए वो भी तो पता चले. डिस्कवर्ड बाय कोई जो भी आदमी है. कोहली. कोहली कोहली इन 1925. इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेडिटेरेनियन सी डिसऑर्डर. इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर. इट इज आल्सो कॉल्ड या इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर. राइट. अच्छा क्यों होता है ये देखो. आज के पॉलिटिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा बट यू विल गेट दिस वीडियो बाय 16th ऑफ सितंबर. ओके ऑफ दिस ईयर. इधर देखो थैलेसेमिया. थैलेसेमिया में क्या है? एक घंटे से वहीं रुके हुए हो. मैंने बोला था सर हम पढ़ेंगे कैसे. सर आप अटके हुए वहीं रुके हुए हो. मतलब थोड़ा तो दिखना चाहिए. ये क्या है? क्या मैंने ऐसा बोल दिया? 16th सितंबर ऑफ दिस ईयर. आपकी वीडियो एक जगह स्टैचू हो रखी है. बात कर रहे हो. बंद करके ऑन करो अपनी वीडियो. बंद करके ऑन करो वापस. अरे बचपन में छोटा सा गेम खेलते ना फ्रीज करके. हाँ हट गया. पैसा वाला चल रहा है के साथ. चलो पढ़ाओ अब. गायब हो गए. ओ गौरव जी बच्चों क्वालिटी कैसा है इंटरनेट का? अब ठीक है थोड़ा बहुत. मॉडरेट मुझे पता है. अब ठीक है ना? यस सर. ये ठीक है. फिक्स करना पड़ेगा. तो मैंने क्या बताया था कि जो भी अमाइनो एसिड्स का चेन होगा है ना, अमाइनो एसिड के चेन में हो सकता है कुछ पार्ट फट जाए. मैंने बोला था नहीं, यानी ये पूरे नंबर का खेल है थैलेसेमिया. मैंने बोला था या नहीं बोला था याद करो. बोला था. ठीक है. हां सर बोला था. हां तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लोबिन चेन है उसमें क्या होता है गड़बड़ हो जाता है किसी भी वजह से. तो उसी की वजह से होता है. क्यों ना हम लोग लिख ले. लिख ले इसको. लिख लो. इधर लो इधर लो इधर लो. ड्यू टू म्यूटेशन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यह रिसेसिव है. कौन सा? रेसेसिव कंडीशन है, इसीलिए मैंने म्यूटेशन लिखा. जो ये चैप्टर का पहला वाला पार्ट पढ़े थे म्यूटेंट टाइप और वाइल्ड टाइप सब, ठीक है, उनको पता होगा. ठीक है. ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन. ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ जीन. ठीक है. कंट्रोलिंग बच्चों बोलो. यस सर. हटा दे इसको. हटा दो. अल्फा के बाद क्या लिखा था? अरे अल्फा ग्लोबिन चेन. अल्फा ग्लोबिन चेन. नाउ लुक थैलेसेमिया इज ऑफ टू टाइप्स. ओके थैलेसेमिया कितने तरह के होते हैं? दो तरह के. ठीक है. एक मैंने बताया था कि तुम्हें मालूम होगा कि हीमोग्लोबिन के लिए चार चेन बनता है. ठीक है. उसमें दो चेन, एक अल्फा और बीटा. अगर इन दोनों में कुछ क्वांटिटेटिव चेंज आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का शेप क्या होता है, अलग हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है. ठीक है. तो अगर अल्फा में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको बोलेंगे अल्फा थैलेसेमिया. बीटा में कुछ होगा तो क्या बोलेंगे? बीटा थैलेसेमिया. ठीक है. तो थैलेसेमिया इट इज ऑफ टू टाइप्स. कृतिका आ गई क्या?
अरे मारो गोली। प्रियंका नहीं आई। यस सर। क्या मतलब सर वो नहीं आई, मतलब मैसेज नहीं देखा उसने। हाँ देख लिया, कुछ कनेक्टिविटी इशू है, छोड़ो नहीं आएगी वो। उसका हमेशा यही रहता है कनेक्शन का प्रॉब्लम, तो काफी पीछे चली जाएगी फिर है ना, और मुझे बहुत बुरा लगेगा। सो अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया, क्यों ना हम लोग पहले अल्फा थैलेसेमिया को देख ले क्या होता है। बोलो पहले बीटा देखें। अल्फा थैलेसेमिया को देखो, अब तुम्हें क्या लगता है अल्फा थैलेसेमिया यानी क्या होना चाहिए इसमें? प्रियंका बताओ क्या होना चाहिए, कौन से चेन में प्रॉब्लम होना चाहिए? अल्फा ग्लोबिन चेन, कौन सा चेन होता है? अल्फा ग्लोबिन चेन में प्रॉब्लम आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्फा ग्लोबिन चेन में प्रॉब्लम आ जाता है। उस चेन को कौन कंट्रोल करता है? जो जीन कंट्रोल करता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे रहता है। कौन से क्रोमोसोम पे रहता है? 16वां नंबर पे, ठीक है। बाकी जो सिम्टम्स आएंगे वो मैं बताता हूँ, बट वो कैसे रहा वो मैं बताता हूँ। तो चौक लेके आता हूँ, तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला क्रोमोसोम नंबर कितना कितना बोला 16, याद रखना। इसके लिए अल्फा थैलेसेमिया के लिए इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बट ठीक है इतना याद होना चाहिए क्रोमोसोम नंबर कौन सा। तो क्रोमोसोम नंबर 16 के जीन जो है इसको कंट्रोल करते हैं, किसको? अल्फा ग्लोबिन चेन को। किसको? अल्फा ग्लोबिन चेन को। अब देखो मैंने बोला कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर जो जीन है उसमें किसी वक्त म्यूटेशन हो गया या डिलीट हो गया, तो क्या वो रेसेसिव कंडीशन में नहीं आ जाएगा? और अगर रेसेसिव कंडीशन में आता है या जीन में कुछ होता है वो एंजाइम नहीं बना पाएगा। रेसेसिव का मतलब कि एंजाइम या फिर नहीं बनाना या एफिशिएंट एंजाइम नहीं बनाना, मैंने यही बताया था म्यूटेंट टाइप में, याद करो। ठीक है, तो अगर वो नहीं बनाएगा तो अल्फा ग्लोबिन चेन जैसा होना चाहिए क्या वैसा बनेगा? नहीं नहीं। और अगर वैसा नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन, ये तो अल्फा ग्लोबिन हीमोग्लोबिन को बना रहा, तो हीमोग्लोबिन जैसा होना चाहिए वैसा होगा क्या? नो सर। और अगर हीमोग्लोबिन ही वैसा नहीं होगा तो क्या होगा? आरबीसी भी वैसा नहीं बनेगा। आरबीसी भी क्या होगा? डिफॉर्म, मतलब अलग ही शेप का बन जाएगा, डिफेक्टिव शेप का बनेगा, ठीक है। उसका भी फॉर्मेशन होगा डिफेक्टिव। अब आरबीसी जब डिफेक्टिव बनेगा तो तुम्हें क्या लगता है, हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, स्पेशली एक सेल होता है मैक्रोफेज, नाम तो सुने होंगे फैगोसाइटिंग, ठीक है, मैक्रोफेज। ये क्या करता है, जो भी डिफेक्टिव चीज बॉडी में मिलता है उसको ये खा जाता है, क्या करता है? तो अगर इसको डिफेक्टिव आरबीसी का पता चलेगा तो तुम्हें, तुमको क्या लगता है ये छोड़ेगा उसको, बताओ? नहीं छोड़ेगा, ये उसका भी फैगोसाइटोसिस कर देगा, उसको भी खाना शुरू करेगा। जब उसको खाना शुरू करेगा तो क्या वो कंडीशन एनीमिया नहीं हो जाएगा? यस और यस, वो कंडीशन एनीमिया होगा। एक बात जीवन में हमेशा के लिए याद रख लो, अभी से ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज, ध्यान से सुनना, ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आरबीसी, ठीक है, इस सब से रिलेटेड कोई भी डिजीज होगा तो उसका इफेक्ट चाहे एक दिन बाद चाहे दो दिन बाद या पहले ही, उसका इफेक्ट तुमको दो जगह देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कंपलसरी। तुम पूछोगे कितना परसेंट सर चांस है, तो 100%। कितना? 100%। किस किस पे वो इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो वो इफेक्ट देखने को मिलेगा लीवर पे, और दूसरा मिलेगा स्प्लीन पे। लीवर पता है कहाँ पे होता है? लीवर होता है राइट साइड, कहाँ पे होता है? राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम। स्प्लीन कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड स्टमक के नीचे, पता ही होगा, है ना? पता
ठीक है, तो तुम्हें पता है कि लीवर, सॉरी लीवर और स्प्लीन का ब्लड के साथ डायरेक्ट रिलेशन, जिन्होंने क्लास 11 में पढ़ा बहुत अच्छी बात, ठीक है पता ही होगा। तो अगर ब्लड में कोई भी डिफेक्ट आता है तो मैंने बोला है कि उसका इफेक्ट लीवर और स्प्लीन पे होगा ही होगा, समझ में आया, होगा ही होगा। अब लीवर और स्प्लीन पे अगर कुछ इफेक्ट होगा तो अलग अलग वो डिफॉर्मिलिटी शो करेगा, वो भी दिखाएगा कुछ ना कुछ। तो इसमें जो अल्फा थैलेसेमिया में होता है, एक तो सिम्टम तुमको पकड़ में आ गया एनीमिया, दूसरा तुमको पकड़ में आएगा हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। इसका मतलब समझ में आया प्रियंका? हेपेटोस्प्लीनोमेगैली का मतलब समझ में आया? हाँ सर, शायद वो सूज जाएगी, बड़ी हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगा। क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। लीवर का भी साइज बढ़ जाएगा, दैट मींस कि लीवर अपना काम ठीक से अब नहीं करेगा, ठीक है। लीवर अपना काम ठीक से नहीं करेगा, जब लीवर अपना काम ठीक से नहीं करेगा, ब्लड भी तुम्हारा डिफेक्टिव हो गया, तो कंडीशन एक और आ जाएगा जिसको कहते हैं जॉन्डिस। नाम तो सुने होंगे ये, अरे डॉक्टर आंख खोलता है, टॉर्च जलाता है, तुम्हारा इक्टेरस देखता है ना, हाँ, या कालोरा देखता है, इसको आंख को खोल के। तो वो क्या देखता है कि भाई आंखों में जो येल्लो है, यानी बिलीरुबिन बिलीवर्डी जो बाइल का पिगमेंट है वो आ गया है, यानी पूरा बॉडी येल्लोइश होता है या नहीं होता है, बताओ? Yes. देखता है ना, होता है। तो वो वही कंडीशन हो जाएगा जॉन्डिस, और ये जानलेवा कंडीशन क्या होता है, जानलेवा। इनफैक्ट अनिमिया भी जानलेवा है, ये भी जानलेवा है, ये सब जानलेवा है, ठीक है, चाहे हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ठीक है। अब एक और सिम्टम्स देखने को मिलता है, बोन चेंजेस। बोन क्या होता है? चेंज होने लगता है। तुम्हें पता है कि बोन मैरो होता है वहां पर आरबीसी बन रहा है। क्या बन रहा है? आरबीसी। बट आरबीसी कैसा बनेगा? जब जिन ही खड़ा है तो आरबीसी तो डिफॉर्मेंट गलत बनेगा, ठीक है, गलत बनेगा। और हमें पता है कि वही ब्लड बोन को भी मिल रहा है, उसके ग्रोथ और सब कुछ के लिए वही मिलेगा ना ब्लड, या कहीं और से आ जाएगा ब्लड? वही मिलेगा ना। तो वही ब्लड मिल रहा है डिफेक्टिव, तो इसका क्या हो रहा है? बोन क्या हो रहा है? चेंजेस हो जाएगा। बोन में भी तुमको डिफॉर्मिलिटीज देखने को मिलेगा, बोन भी अलग अलग तरह का या कमजोर बोन हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. तो ये सब किसने किसको बताया? अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। तो इसीलिए मत सोचना कि सर एनीमिया कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन तो कम से कम बंद हो रहा है ना, तो ऐसे होता है इसकी वजह से, मैक्रोफेज की वजह से। बॉडी में हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ भी अगर डिफेक्टिव होता है तो ये छोड़ता नहीं, उसको क्या करता है? इंगल्फ करना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है? क्या हम इसके बारे में लिख सकते हैं? बोलो सर, जिसको भी जॉन्डिस और अनीमिया होगा उसको अल्फा थैलेसेमिया जो भी है ये भी होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, ये सब एक सिम्टम्स है, ठीक है, ये सब मैंने एक सिम्टम्स बताया। हाँ, लेकिन उल्टा इसका बोल सकती हो, उल्टा, जिसको अल्फा थैलेसेमिया होगा उसको ये सब होगा, लेकिन जिसको जॉन्डिस या अनीमिया है उसको अल्फा थैलेसेमिया नहीं हो सकता, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है ना प्रियंका, है ना, ये जीन की वजह से हो रहा है, ये कोई दूसरे कारण की वजह से नहीं हो रहा, उसके डेली डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से नहीं हो रहा कि एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, उसकी वजह से नहीं हो रहा, ठीक है, ये हो रहा है उसके जीन की वजह से। जीन कैसा है उसका? एलील उसका कैसा हो गया? रेसेसिव। क्या हो गया? एलील रेसेसिव, है ना, आर आर अगर हो गया तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? रेसेसिव। अब जो एंजाइम बनना था बन ही नहीं रहा, जब नहीं बनेगा तो अल्फा ग्लोबिन चेन पूरा का पूरा नहीं बनेगा, जब वही नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव, आरबीसी डिफेक्टिव, जब वो डिफेक्टिव तो लोग, ये सब कंडीशन। समझ में आया? Yes, यानी वो तो नहीं चाहता है कि हम ऐसा हो, लेकिन क्या हो गया, उसका जीन ही आ गया, किस कंडीशन में? रेसेसिव कंडीशन, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो ये जीन कंट्रोल कर रहा था इस चीज को, इस फीचर को, इस फैक्टर को, वो रेसेसिव में आया, वो एंजाइम नहीं मिल पाया, तो ये नहीं, ठीक से वैसा नहीं बनेगा, इसके नंबर में चेंज आएगा। मैंने बोला था थैलेसेमिया होता है क्वांटिटेटिव, यानी इसके नंबर में चेंज आता है। और सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैंने क्या बताया था? क्वालिटेटिव होता है, उसमें मैंने बताया था ना ग्लूटामिक एसिड की जगह 6 नंबर अमाइनो एसिड पे कौन सा था? वैलीन आ जाता है, बताया था? यस सर। हम इसके बारे में लिखे, क्या हमें लिखना चाहिए? यस सर। यस सर। नहीं, तुम लोगों को नहीं, क्या मतलब तुम लोगों का? कितना टाइम बचा तुम्हारे पास सर? मात्र 5 मिनट।
मात्र, कितना स्टाइल में बोली मात्र। आज हिंदी के अल्फा थैलेसेमिया को हिंदी में पढ़े है ना, इसीलिए आज हिंदी में पढ़ा सर। रोज क्या भोजपुरी में पढ़ाते हो? नहीं, बंगाली। इट इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन। ये है भी आज क्लास में। अल्फा ग्लोबिन चेन को कौन कंट्रोल करता है? व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय टू जेन्स। वन which is controlled by two genes. Andeep hai class mein aaj? Haan hai. Banda bada shaant hai. Aankhon ke kharab ho gaye kya main? Hain? Are banda bahut shaant hai yaar. Chalo. अब क्यों ना हम लोग इसका सिम्टम्स लिख लें, जल्दी से लिख लें। क्या मुझे सिम्टम्स डिटेल में लिखना पड़ेगा? नहीं है ना, क्योंकि तुम लोग बहुत होशियार हो। पहला सिम्टम मैंने बताया अनीमिया। अनीमिया वही होता है जब खून का कमी, हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कमजोरी महसूस होगा, बोलो या पेशेंट सब की सांस लेने में तकलीफ हो रहा, शरीर का कलर फेड होने लगेगा, यही सब होता है और कुछ नहीं। ठीक है, शरीर का कलर फेड होना अलग है, वो तो मेडिकल साइंस के हिसाब से सही है। बट लोग जो बोलते हैं, लोग क्या बोलेंगे कि चक्कर आ रहा है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, उठ नहीं पा रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, अनीमिया यानी हीमोग्लोबिन का कमी, आरबीसी का कमी। ठीक है, दूसरा जॉन्डिस। एक टेरस देखने को मिलता है ना, जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस। ठीक है, आंख में पूरा आंख का ये सब येल्लो येल्लो हो जाएगा। ठीक है, पूरा बॉडी येल्लोइश, क्योंकि ब्लड में क्या आता है, बाइल का पिगमेंट आने लगता है। ठीक है, तीसरा हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। ठीक है, यानी लीवर और स्प्लीन क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, लंबा हो जाएगा, फैल जाएगा। रेति, तुमको कुछ समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? सब समझ आ गया सर। अल्फा थैलेसेमिया समझ में आया? क्योंकि सब कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ अल्फा थैलेसेमिया। यस सर। बोलो। यस सर, आ गया। मेरा स्क्रीन ब्लर है, सबका ब्लर है? सबका। तुम्हारा? सबका। सबका। देखो इतना घमंड है तुम्हारा। कम बोलो। बस एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने वाले थे, हमने बताएंगे, चलते अब बीटा थैलेसेमिया। अरे बताओ सर, बताओ ना सर, बता दो, ऐसे मत करो सर, बता दो। अरे हम ये बताने वाले, जल्दी तो मत बताओ, दो सिम्टम्स मत मिटाना सर, सिम्टम्स मत मिटाना सर। किसी किसी अगर प्रेग्नेंट महिला को अगर ये डिसऑर्डर होता है, मतलब रहता है पहले से और वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसके बच्चों को में एक सिम्टम्स देखने को मिलता है जिसको कहते हैं हाइड्रोप्सिटालिस। क्या कहते हैं? हाइड्रोप्सिटालिस। उसमें क्या होता है कि बच्चे का लीवर वीवर स्वेल कर जाता है और एब्डोमिन एब्डोमिनल कैविटी पूरा स्वेल कर जाता है, यानी मर सकता है बच्चा, इतना खतरनाक कंडीशन होता है, क्योंकि पूरा फ्लूइड फील हो जाता है अंदर। ठीक है, उसको कहते हैं हाइड्रोप्सिटालिस। चलो ये हटा दे, हटा दे। नहीं 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 सर, नहीं देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट। अरे भाई क्लियर नहीं है ना सर, प्रियंका को अगर स्पेलिंग लिखना होगा तो मैं उसको मैसेज कर दूंगा, है ना प्रियंका? फिल्म की बात क्या लिखा है, क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा? हेपेटो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। स्क्रीन की बात क्या लिखा, फिर से बोलना।